मुरादाबाद से प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित करने मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बताते चले 2 दिसंबर को प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे। आपको बता दें दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस के पीछे वाले मैदान में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मुरादाबाद पहुंचे और प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 424 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मंच में अपने संबोधन में जनता को मिलने वाली सभी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार पर बैरिन बनने का भी तंज कसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है, भाजपा की सरकार बनने के बाद से सभी वर्ग व समाज के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सभी तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर विभिन्न लाभार्थियों को सम्मानित भी किया, जिसको लेकर पूरे मुरादाबाद जिले का प्रशासन भी पूरी तरह से कमर कसे हुए था। इस मौके पर मंच पर मुरादाबाद के कई जनप्रतिनिधियों सहित मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह एवं मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के आजीविका समर्थन एवं स्वावलंबी बनाने हेतु मैं आमंत्रित कर रही हूँ सविता देवी को। सविता देवी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी श्री राकेश कुमार देशी शिक्षा विभाग से विज्ञान एजुकेशन के दिव्यांग छात्रों को सामान्य छात्रों की भांति शिक्षा में सुविधा मिले इस कारण। कुमारी शिवानी संस्कृत विद्यालय 5 की छात्रा इनको आपकी ओर से स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है, जिससे अपने शैक्षिक स्तर में उन्नत हो रही है। सतवीर पुत्र भूल कृषक धन है जिला उद्यान विभाग की रेनजल वितरण की योजना, जिसमें 44,840 की सिंचाई होता है। अनूप सिंह राणा ओटीओपी योजना अंतर्गत बरकर अनूप सिंह राणा ओटीओपी योजना अंतर्गत 20 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की। राहुल सैनी पुत्र श्री चरण सिंह सैनी स्वनिधि प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। महोदय और सामर्थ्य को यहाँ के कारीगर यहाँ के शिल्पी
मुरादाबाद से रहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।